हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1939 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 348 से 35 तक की भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का नारा दिया है। भारतीय सरकार भी 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी दिवस का पखवास मनाती है, जिसमें सभी कार्यालयों में हिंदी पर जोर दिया जाता है। हिंदी हमारी सिर्फ राजभाषा ही नहीं, राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है। धन्यवाद। आद्रिका कक्षा 7A की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर महादेवी वर्मा द्वारा रचित अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे बेचारी को, पर वे चीची करती है, घर में तो वह नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। मेरा नाम अतिश जादव है, मैं कक्षा 7A का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, जब सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। मेरा नाम श्रेयांश मौर्य है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं दोहा प्रकट करना चाहता हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग, तरुवर फल लाही खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति सचई सुजान, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीति, रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे तेना जुरे जुरे गांठ परी जाए, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मेरो मोल, दोनों रहीमन एक से जो है बोलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माही, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कहाँ का जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। धन्यवाद। सवाल है, मैं कक्षा 7A का एक विद्यार्थी हूँ। मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, जी सिख जिन्होंने धर्म की हमको तुलसी कबीर संत महान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। प्रभात, मेरा नाम जैसी यादव है, मैं कक्षा 7A की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी दिवस के अवसर पे एक कविता लिखी। मेरी कविता का शीर्षक है नारी। चले शुरू करते हैं। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्व जल से अपने, संकल्प अश्व जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास न गर्जन पग तल में, विश्वास न गर्जन पग तल में, पीयूष श्रोत्र सी बाँ करो, पीयूष श्रोत्र सी बाँ करो, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। हमारी वेदना हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आत्मा है भावना का साज है,
हिंदी हमारे देश के हर तोतले की आवाज़। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम काव्यांश यादव, मैं कक्षा 7B का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि हिंदी भाषा के मर्मज्ञ एवं प्रसिद्ध कवि नाटककार समालोचक गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। एक डोर में सबको जो बांधती वो हिंदी है, एक डोर में सबको जो बांधती वो हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वो हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वो हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसे यही साधना हिंदी है। सौद विदेशी रहे नारानी यही भावना हिंदी है, सौद विदेशी रहे नारानी यही भावना हिंदी है। तत्सन तद्भव देश विदेशी, तत्सन तद्भव देश विदेशी सभी रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर मन भाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर मन भाती। आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ लेकर पिता की डांट से माँ की लोरी होता, कोई स्कूल की किताबों से यारों की टोली होता, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है हिंदी भाषा ने, इन सब में अपना किरदार निभाया है। धन्यवाद। हिंदुस्तान की आंजा है जन जन का अभिमान, एक डोर जो सबको बांधे वही हिंदी हमें रखे आगे, हिंदी मेरा कितान है या शुभ वरदान है, हिंदी व उदारता की वाणी जिसे पसंद करता भारत का हर व प्राणी, माँ की लोरी पिता की डांट हिंदी से ही होती सारी प्यार की बात, ना समझे हिंदी को कम गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। आपको हिंदी दिवस के अवसर पर अमृता प्रीतम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अमृता प्रीतम पंजाब भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है। इनका जन्म पंजाब के गुजरांवाले जिले में हुआ था। इनका जन्म 31 अगस्त 1919 में हुआ था और इन्होंने 100 पुस्तकें लिखी हैं। अमृता प्रीतम द्वारा रचित उनमें से एक है मैं तैनू फिर मिलांगी। जब शरीर नष्ट होता है तो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन यादों के धागों में स्थाई कण बुने होते हैं। मैं इन कणों को चुनूंगी और धागों में बुनकर तुमसे फिर मिलूंगी। थैंक यू। मैं उत्सवी चौधरी इस हिंदी दिवस के अवसर पर महादेवी वर्मा जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, संपंद में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग 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 संगीत भरा, खासों में स्वपन पराग झरा, नभ में नव रंग बुनते दुलगु, दाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। थैंक यू। दोस्तों, मैं अविका मिश्रा आज कक्षा 7B की छात्र आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक स्लोगन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या देश उसे प्यारा होगा, उसे वही प्यारा होगा हिंदी जिसका नारा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम यशस्वी यादव है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है, हिंदी हमारी आत्मा है भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। धन्यवाद। जय हिंद। जय। मैं जिता पांडे कक्षा 7A की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद।